जी गुरु बहन, अनुभूति बताइए। तो नहीं है, पर यह है कि मेरे को एक क्वेश्चन था तो कल उसका आंसर मिला मेरे को। मैंने ऐसे सेशन में पूछा तो नहीं था, पर मेरे को ऐसे डाइजेशन डाइजेस्ट नहीं होता खाना, ऐसे थोड़ी एसिडिटी और पेट मतलब ऐसे भारी भारी ऐसे रहता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं डॉक्टर कैसे दवाई ले लूँ, ऐसे करके कुछ नाम जप करती रहूँ, ऐसे गुरुदेव को ऐसे बोल भी रही थी मैं। तो कल विक्की गुरु भाई ने इसी टॉपिक पे बताया, कर मैंने पूछा भी नहीं था सेशन में, पर जी कल गुरु, इसी पे बता रहे थे वो कि जब एसिडिटी हो जाती है तो नाम जप करने से अपने आप योगिक क्रियाएं हो जाती है, पेट भारी भी नहीं रहता, ऐसे ठीक हो जाती है प्रॉब्लम ऐसे। तो ये गुरु बहन मेरे को कल बिना पूछे ही गुरुदेव ने जो इसका आंसर करवाया मेरे को। गुरु बहन, हर समस्या का समाधान, जितनी भी समस्याएं आती है हमारी, सब समस्या का समाधान मंत्र जाप है। जितना आप मंत्र जाप करोगे उतनी जल्दी आप उसे रिकवर होगे। और ये तो समझ हाँ लो गुरु गए, बहन, क्योंकि वो तो हाँ मैं सब करती हूँ, पर कई बार मन भी नहीं, ऐसे सोच लेता है थोड़ा जल्दी ऐसे। लेकिन जितनी ये समस्या आती है ना, अगर हम उसमें ज्यादा मंत्र जाप करें ना, वो समस्या जल्दी निकलती है। हम नॉर्मल ले लेते तो नॉर्मल के हिसाब से वो नहीं निकल पाती है। ये समस्या है तो समस्या है, उसी के उसको निकालना है तो मंत्र को आप सघन करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल से हमारा ये समस्या आ रही थी तो अब उसका उससे इलाज नहीं हो रहा था, तो उसको ज्यादा डबल करना चाहिए ना हमें, ताकि वो आराम से निकल जाए। हाँ जी गुरु बहन, और एक आज क्या हुआ कि मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैं नींद आने लग गई थी, तो मैं गुरुदेव का फिर स्पीच चला लिया मैंने कि नींद उड़ जाएगी ऐसे। तो फिर मैं बोल रही थी गुरुदेव को कि ना गुरुदेव मेरे से प्रचार करवा दो, किसी को तो बुलवा दो, किसी को तो बताऊं मैं ऐसे। तो जस्ट मेरे बगल में जो साइड में लड़की बैठी हुई थी, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी उस लड़की को बताने का, उसको बताऊं कैसे बताऊं क्या करूं ऐसे। तो गुरु बहन क्या हुआ कि मैं स्पीच सुन रही थी गुरुदेव का, तो उसने मेरे को बोला कि ना क्या सुन रहे हो आप, मेरे को भी सुना दो। तो फिर मैंने उसको ये अपना ईयरफोन दिया, मैंने कहा हाँ लो आप सुन लो। तो फिर उसने पहले गुरुदेव का स्पीच सुना, फिर उसने मैंने बताया भी उसको, पर उसको करना नहीं था। तो फिर हम पर ये कि गुरुदेव ने मेरी सुन ली, मैं बोल रही थी उनको कि किसी को तो बताऊं मैं ऐसे, तो उस लड़की ने अपने आप ही बोल दिया मेरे को। गुरु बहन, कोई जरूरी नहीं है, बीज डल गया ना, अपना आप समय आने पर अंकुरित हो जाएगा। गुरुदेव का ना ये बीज निष्फल नहीं जाएगा, ये ऐसा बीज है, समय आने पर अपना हाँ आप अंकुरित हो ये जाएगा। ना, ये तो ना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ की ना सबसे पहले किसी ने स्पीच सुना है, नहीं तो नॉर्मली हम लोग बताते हैं किसी को तो कार्ड देके बता देते हैं या फिर ऐसे हाँ ही बोलते हैं ऐसे, पर उसने तो स्पीच सुना और उसने बोल सुना लो। तो करीब आधा घंटा तक मैंने उसके साथ स्पीच सुना गुरुदेव का, पर ये कि उसने मना कर दिया वैसे तो करने के लिए। समय आने पर अपने आप जुड़ जाएंगे गुरु बहन। अपने शुरू शुरू में तो अपन भी नहीं जुड़े थे, जब उसका समय आएगा तब जुड़ जाएंगे। अगर वो अचे गुरुदेव की इच्छा है कि उसको जुड़ना है तो आपकी स्पीच नहीं सुन पाती है ना, उस समय आने पर जुड़ेगी, देख लेना आप भी। अब उसका समय कब आता है वो तो गुरुदेव जाने, और आपने जो पुकार की थी वो गुरुदेव ने सुनी है। यही तो हमारे गुरुदेव हाँ है, कहते हैं मैं वो ओमनी हाँ, प्रेजेंट हूँ, यही प्रमाण मिलते हैं ओमनी पर प्रेजेंट मैं का। तो हाँ गुरु बहन, वो तो ना मैं स्पीच सुनते सुनते बोल रही थी गुरुदेव बहुत दिन हो गए, 3 4 दिन निकल गए हैं, किसी को भी नहीं बताया मैंने। तो तुरंत उस लड़की ने बोली थी, खुद से बोल दिया मेरे को। जी अंदर से बहुत खुशी होती है जब हमारे इस प्रकार प्रार्थना सुन ली जाती है जब। हाँ गुरु बहन, खुशी तो बहुत होती है। जी मेरे को बस यही बताना है, जय गुरु। जी जय।